students, today I am going to explain you about the sum number 6 of chapter number 2, debenture. Vasavada Steel Limited issued 15,009% debenture of 100 each at the price of rupees 80 per debenture. Means 100 is the face value, पर 80 रुपीज़ से इशू किया है. मीन्स हम देखते हैं कि 20 रुपीज़ कम है, जब कम होते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है. द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर. तो यहाँ पर अमाउंट दी गई है 25,000 विद एप्लीकेशन, 35,000 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन अ कॉल. तो यहाँ पर रिलेवेंट अमाउंट हमने दिए हैं अप्लीकेशन के टाइम पर 25 रुपीज़ और 15,000 डिबेंचर्स इशू किए थे तो हमें 3,75,000 मिले. वैसे ही ऑन अलॉटमेंट के टाइम पर हमारे टोटल 15,000 डिबेंचर्स के थे. सो टोटल हो रहा है हमारा 5,25,000. पर इसमें डिस्काउंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो डिस्काउंट कितना था? 20 रुपीज़. ओके, तो बाकी का था वो अलॉटमेंट में जाएगा. सो 15,000 × 20 ये डिस्काउंट हुआ एंड अलॉटमेंट में जाएगा 15,000 × 15. सो 2,25,000 इज ऑन अलॉटमेंट. ओके, एंड 20 ऑन अ फाइनल कॉल 15,000 × 20 रुपीज, तो 3 lakhs, दैट इज ऑन फाइनल कॉल. अब है द कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन ऑफ 15,000 डिबेंचर एंड ऑल हैव सैंक्शन. The company receives the full money called on allotment and received full amount on call. Accept call of 800 debenture. Okay, तो last में जो है accept call, last जो है call वो यहाँ पर नहीं मिला है. तो that is of 800 debenture hold किया हुआ debenture holder का पैसा हमें नहीं मिला है. सो 800 × 20 = 16,000 डिबेंचर्स. ओके, तो इसके ऊपर से हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है. नाउ जर्नल एंट्रीज में फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक में पैसे आते हैं एप्लीकेशन के टाइम पर. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट अमाउंट इज 3,75,000 एंड हियर ऑल्सो 3,75,000. तो एक एंट्री हो गई हमारी. अब ये जो डिबेंचर्स एप्लीकेशन यहां पर डिबेंचर्स एप्लीकेशन के टाइम पर हमें मिला है, इसीलिए 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया है. अब ये जो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन है वो हम डेबिट करेंगे और वो पैसा 9% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसमिट करेंगे. तो सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट. ओके, तो एप्लीकेशन जो हमने डेबिट क्रेडिट किया था यहाँ पर दैट हैव टू बी डेबिटेड. मीन्स एप्लीकेशन के सारे पैसे हमें मिल गए हैं. तो वी हैव ट्रांसमिटेड 3,75,000. Here also 3,75,000. तो ये फर्स्ट स्लॉट में दो एंट्री खत्म हो गई. अब एप्लीकेशन के टाइम पर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के टाइम पर डिस्काउंट दिया है. सो वी हैव कॉल्ड द अमाउंट 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
discount account, debit to 9% debenture account, ओके तो यहां पर डिबेंचर में अमाउंट हो गए 4A दैट इज ऑफ 5,25,000 एंड डिबेंचर अकाउंट में अलॉटमेंट के टाइम पर 2,25,000 और डिस्काउंट हमारा कितना था 3 लाख रुपीज सो 3 लाख ओवर हियर ओके तो ये एंट्री डिस्काउंट वाले इस तरीके से आएगी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट मीन्स हमने पैसे मंगवाए हैं और हमने डिबेंचर अकाउंट में अलॉट कर दिए हैं अब ये पैसे आते हैं पूरे पैसे आ गए हैं बैंक के अंदर आते हैं सो हियर वी हैव गॉट दिस एंट्री और यहाँ पर 5,25,000 वी हैव डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट इज 2,25,000 सो वी हैव टू रिकॉर्ड 2,25,000 ओनली Why 2,25,000? क्योंकि हमने अलॉटमेंट में इतने मंगवाए हैं और हम डिबेंचर होल्डर के पास से इतने नहीं ले रहे हैं ओके तो जो डिस्काउंट है वो बिजनेस के लिए कम पैसे लेना है तो बैंक में कितने आएंगे इतने कम आएंगे सो दैट्स व्हाई इट इज बैंक अकाउंट 2,25,000 ओके 2,25,000 डिबेंचर अकाउंट में ही 2,25,000 वी हैव क्रेडिटेड और बैंक के अंदर 2,25,000 और 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ओके तो जितना डिबेंचर अलॉटमेंट हमने डेबिट किया था उतना डिबेंचर अलॉटमेंट हमने क्रेडिट कर लिया है ओके तो यहाँ पर 2,25,000 हो गया अब लास्ट के अंदर हमारा कॉल मंगवाया है तो उसके लिए 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट अब हमने पैसे मंगवाए हैं कितने मंगवाए हैं 20 रुपीज से तो 3 लाख मंगवाए हैं डिबेंचर होल्डर के पास से 3 लाख रुपीज वी हैव कॉल्ड फॉर द फाइनल कॉल ओके अब इस कॉल के बाद लास्ट में हमें मिल रहे हैं कम वी आर गेटिंग लेस अमाउंट कितना कम मिल रहा है 800 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज एक जो पर्सन जो है वो हमें नहीं दे रहा है सो वी हैव कॉल्स इन अरियर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट तो कितना डेबिट था 3 लाख तो हमने 3 लाख क्रेडिट कर दिया है अब यहाँ पर कॉल्सिन अरियर के कितने रहे 16,000 तो हम कॉल्सिन अरियर में 16,000 लिखेंगे और
3 लैख्स माइनस 16,000 करेंगे 1,84,000. ओके, सो दिस इज अबाउट द सम. नेक्स्ट सम हम देखते हैं आगे, सम नंबर 7. डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशू 30,000 के शेयर्स इशू किए हैं. 12% डिबेंचर्स, सॉरी 7. डायनामिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर इशू 30,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉर पेबल एज अंडर. तो यहाँ पर अमाउंट मंगवाए गए हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप पर के जो अलॉटमेंट है वहाँ पर अप्लीकेशन के टाइम पर, अलॉटमेंट के टाइम पर और फाइनल कॉल, 3 टाइम्स उन्होंने पैसे मंगवाए हैं. अब यहाँ पर है सम के अंदर की अप्लीकेशन हमारे आए थे 30,000 के, हमारे पास है डिबेंचर 12%, तो वो हमने यहाँ पर मंगवाए 35 रुपीज ईच, तो हमारा हो गया 10,50,000. अब अलॉटमेंट के टाइम पर, यहाँ पर तो टाइम टू टाइम सब मिल गया, अलॉटमेंट के टाइम पर 30,000 के शेयर्स थे डिबेंचर्स, उसमें से 40,000 के, तो 12 लैक्स. अब 12 लैक्स मिल गए थे, पर अब यहाँ पर एक जो डिबेंचर होल्डर है वो होल्ड कर रहा है 400 डिबेंचर, उसने पैसे नहीं दिए ना अलॉटमेंट के ना फाइनल कॉल के, तो 400 × 40 16,000 हमें नहीं मिले हैं, तो हम जाएंगे क्लोजिंग अरियर में एंट्री. अब एक जो है डिबेंचर होल्डर है 1,000 होल्ड कर रहा है डिबेंचर, उसने एडवांस में पैसे दे दिए, जो फाइनल कॉल था वो भी यहाँ पर दे दिया है. फाइनल कॉल 1,000 था और 25 रुपीज, सो दैट हैव टू बी मल्टीप्लाइड विथ 25,000. नाउ ऑन फाइनल कॉल 30,000 × 25 रुपीज मंगवाए थे, तो 7,50,000 होने वाले, पर 7,50,000 में से एक जो था उन्होंने पैसे नहीं दिए 400 शेयर डिबेंचर होल्डर वाला, तो 410,000 हो रहे हैं उसके पैसे, × 25 करेंगे, 400 × 25 10,000. एंड ये जो एडवांस में मिल गया था वो हमने यहाँ पर सेटल कर दिया है. ओके, तो यहाँ पर जब एडवांस मिलता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब हमें यहाँ पर सेटल करना है फाइनल कॉल में तो हमने इसको डेबिट कर दिया. सो वी हैव सेटल्ड दिस अमाउंट. नाउ वी हैव टू गो थ्रू द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000, जो हमारा फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन के टाइम पर है वो 10,50,000. 12% डिबेंचर एप्लीकेशन 10,50,000. तो ये एप्लीकेशन मिल गया है. अब इसको डेबिट करेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट. मीन्स हम अब इस अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसमिट करेंगे 10,50,000. अब थर्ड एंट्री, यहाँ पर ये इसकी दो एंट्री हो गई है. नाउ अलॉटमेंट के टाइम पर, अब अलॉटमेंट की एंट्री फर्स्ट क्या आती है, जब मंगवाते हैं 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है 12 लैक्स. 12 लैक्स टू 12% डिबेंचर अकाउंट 12 लैक्स. अब
अमाउंट जो है वो हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसमिट किया है, मीन्स मंगवाया है। अब कितने डिबेंचर होल्डर ने दिया है? एक डिबेंचर होल्डर है उसने एडवांस में दे दिया है और दूसरा डिबेंचर होल्डर है उसने पैसे ही नहीं दिए। तो यहाँ पर उसकी एंट्री होगी फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर ऐसी एंट्री होगी जब नहीं मिलता है तो वह हम डेबिट करते हैं, जो एडवांस में मिलता है तो वह हम क्रेडिट कर देते हैं। नाउ कॉल्स इन अरियर के अंदर अमाउंट है 10,000, कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट है, कॉल्स इन अरियर 16,000। यहाँ की जो अमाउंट है दैट और एडवांस 25,000 अब अलॉटमेंट के पैसे 12 लाख हमने मंगवाए थे पर एक्चुअल में कितने आ रहे हैं? सो वी हैव टू सेटल दिस टू। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं और हमारा अमाउंट आता है 12,09,000 and 12 lakh। तो हो जाएंगे हमारे 12,25,000। Now अब इसमें से दो एंट्री खत्म हो गए। Now फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मंगवाते हैं 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। फाइनल कॉल कितना मंगवा रहे हैं? 7,50,000 अब यहां पर इतने मंगवा रहे हैं पर आ कितने रहे हैं? यहां पर तो एक एडवांस में मिल गया और एक नहीं मिला है। सो वी हैव टू सेटल दिस अमाउंट ऑल्सो 12% बैंक में पहले तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से एंट्री होगी 7,50,000। इसमें कॉल्स इन अरियर कितना है? कॉल्स इन अरियर 10,000 जो नहीं आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस 25,000
एंड रिमेनिंग जो है वो बैंक में आता है. सो अमाउंट ऑफ बैंक 7,15,000. 7,15,000. सो दिस वे वी हैव टू सेटल द अमाउंट. तो यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है अमाउंट कैसे आते हैं, यहाँ पर भी अमाउंट कैसे आते हैं, जर्नल एंट्रीज यू आर गेटिंग, पर अमाउंट कैसे सेटल करनी है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.